हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सुम्बुल सिद्दीकी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, गार्डन में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है और काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि आपके साथ शेयर करूँ। और ये है कॉयर स्टिक, मनी प्लांट के लिए, जो हम अपने घर में जो लेकर आते हैं और मनी प्लांट को चढ़ाते हैं स्टिक से। तो वो मैं आज आपको सिखाऊंगी, क्योंकि मैं अपने घर में जितनी भी मेरी कॉयर स्टिक हैं खुद तैयार करती हूँ। कभी कभार शौक में चले गए गार्डन शॉप और वहाँ से मिल जाती है, बड़ी सस्ती और बहुत आसानी से मिल जाती है, कोई मतलब महंगी भी नहीं होती। लेकिन खुद अपने हाथ से बनाने का मुझे शौक है। आप भी बनाइएगा तो आपको फील होगा कि कितना अच्छा लगता है अपने हाथ से कोई चीज़ बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको हार्डवेयर से अपनी पसंद का कोई भी पाइप ले लीजिए आप, इस तरह का। और मैंने ऐसा पाइप क्यों लिया, ये मैं आपको आगे वीडियो जब आप देखते जाएंगे आपको समझ आ जाएगा कि मैंने ऐसा पाइप इतना छोटा और इस तरह से क्यों लिया है पतला। आप अपनी मर्जी से मोटा भी ले सकते हैं। बनाने का तरीका सबके लिए एक ही है। अब आपको अगर फाइबर में बनाना है तो फाइबर में बना सकते हैं, ठीक है। या आपको किसी भी गार्डन शॉप से पैकेट्स मिल जाएंगे। नहीं मिल रहे, नहीं आप गार्डन शॉप जा सकते, तो नारियल की शॉप पे चले जाएं जहाँ नारियल मिलते हैं, वहाँ आराम से आपको ये फाइबर मिल जाएगा। ये नारियल वाले की शॉप पे आप उससे कहें, वो आपको निकाल के दे देगा। नहीं, ये भी नहीं मिल रहा आपको, तो आप हार्डवेयर से ले लें, ये जूट का कपड़ा। मैं इसी से आज आपको बना के दिखाने वाली हूँ, जूट के कपड़े से। और ये मेरे पास रखा हुआ था, मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। तो ये जूट का कपड़ा है। ये भी नहीं मिल रहा आपको, प्रॉब्लम हो रही है जाने की, तो कोई बात नहीं, सब्जी वाले से कहें, वो एक बोरी ला देगा आपको। ये देखिए, ये बोरी है, ये बोरी इस तरह से मंगवा लें, इससे बना लें। मैंने इससे भी बहुत अपनी बनाई है कॉयर स्टिक। अब हुआ कुछ यूं कि मेरा एक प्लांट था फ्रेंड्स, और वो मेरा गमला जो था, आगे आप देखेंगे जैसे वीडियो आपको पता चलेगा, तो उसमें हुआ ये कि वो मनी प्लांट मेरी बहुत बड़ी हो गई थी, इतनी बड़ी हो गई थी कि वो मेरे लिए संभालना मुश्किल हो गई थी। और उसकी जो हाइट थी ना स्टिक की, बस वो इतनी थी, यानी ये समझ लें छोटी, या आप मेरा हाथ देख रहे हैं, इतनी बड़ी नहीं थी, बस ये यहाँ तक थी, छोटा सा था वो मनी प्लांट। और उसमें इतनी ज़बरदस्त वो मनी प्लांट ग्रो कर रही थी, तो मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि अब इसकी जो स्टिक है इसकी हाइट को बढ़ाते हैं। तो उसके लिए फिर मैंने प्लान किया, सोचा, अपना दिमाग लड़ाया, कुछ अपनी मैं क्रिएशन करती रहती हूँ तो जहन लड़ाया, तो वही फिर मैं आज आपसे वीडियो में सारा शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से मैंने इसकी हाइट बढ़ाई, इसको ज्वाइन किया पूरा इस स्टिक के साथ, क्या किया, किस तरह किया, किस तरह से अपनी कॉयर स्टिक मनी प्लांट की तैयार की। ये आप वीडियो देखते रहिएगा आखिर तक, आपको पता चलता रहेगा। और ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ईजी है, बहुत आसानी से बन जाती है, और इतनी खूबसूरत लगी वो बन के, इतनी प्यारी लगी वो, और आप देखेंगे तो मेरा ख्याल है आपको भी अच्छी लगेगी और शौक होगा कि आप खुद बनाएं। और बहुत आसानी से बन जाती है, कोई इतना टाइम भी आपका नहीं लगेगा। और जैसे जैसे आप वीडियो देखेंगे आपको पता चलेगा। और हर एक का तरीका एक ही है, ये तीनों तरीकों से आप बना सकते हो, लेकिन तीनों का तरीका एक ही है। पाइप आप डिसाइड कर लें आपको कौन सा रखना है। तो चलिए बस आगे मैं आपको बताती हूँ कि आपने कॉयर स्टिक बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, दो से तीन चीज़ें, और किस तरह से आप इजी वे में बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलें फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो है फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही थी कि देखिए, ये मनी प्लांट की स्टिक जब तैयार करनी है तो उसके लिए आपको जूट का ही कपड़ा हार्डवेयर से मिल जाएगा, ये कैंची जरूरत पड़ेगी, और ये है मोटी वायर जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी। मैंने कुछ पहले से इसके कटिंग करके रखे हुए हैं, और इसको हमने, ये एक हथौड़ी है मैंने ली थी ताकि इसको प्रेशर हम कर डाल सकें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इसको हमने डाल लिया इसके अंदर, ये जूट का कपड़ा है, आप चाहे जितना डबल करना चाहें, ये पीवीसी का पाइप है, मुझे पतला ही चाहिए था इसलिए मैंने ये मेरे पास जो गमला था उसमें ये बहुत छोटा वाला पाइप है। अगर आपको मोटा पाइप चाहिए तो मोटा लेने, अपनी मर्जी है आपकी, जिस तरह का आपको पाइप चाहिए। आप डबल करना चाहते हैं अगर इसका ये जूट का कपड़ा, तो डबल कर लीजिए, ये भी आपकी अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है। और अब ये देखिए, बहुत आसान सा है ये मनी प्लांट की स्टिक तैयार करना, बहुत आसान है, चार पांच तरीकों से होती है, आज मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ। तो इसको सबसे पहले तो आपने इस तरीके से यहाँ से ये पकड़ के इसको अंदर डाला, और इसको आपने इस तरह से ये पकड़ा, और इसको अब आप ऐसे करके पहले फोल्ड कीजिए आराम से, और फोल्ड करने के बाद इसको ज़रा थोड़ा सा
प्रेशर दीजिए और बहुत प्रेशर देने से ये होगा कि ये बहुत अच्छी स्टिक आपकी तैयार हो जाएगी। अब ये पकड़ा आपने, इसको रखा यहाँ और आहिस्ता से अब आप इसको आगे लेकर आइए और अब ये बाकी जो रह गई है इसको भी हल्के हाथों से आपने पकड़ा और इसको ऐसे पकड़ के आपने अंदर दबा दिया। ये देखिए ये अंदर दब गया, बस ये तैयार है हमारी स्टिक। अब हम इस स्टिक के ऊपर आराम से अपना ये वायर, मोची वायर कह लें या धागा कह लें, आपने वायर लगाना वायर लगा लें, आपकी मर्जी है। और अगर आपके पास कोई पकड़ने वाला है तो उससे कहिए वो पकड़ लेगा, आपको आसानी हो जाएगी बांधने में। और मेरे पास क्योंकि अभी कोई है नहीं तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ये इशू है। और इस तरीके से इसको फोल्ड करने के बाद इसकी सेटिंग करेंगे, थोड़ा सा हम नीचे से छोड़ देंगे और वो नीचे से हम इसलिए छोड़ेंगे, उसका रीज़न है ताकि आराम से नीचे से हम इसलिए छोड़ेंगे ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। इसको आप लपेटते जाइए इस तरीके से, ये देखिए ये आप लपेटते जाइए। अभी तो कोई पकड़ने वाला अगर है तो मेरे पास, क्योंकि मैं सिंगल हूँ अभी मेरे को पकड़ने वाला नहीं है, इस तरह से कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है, अगर कोई मदद करने वाला हो तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इस तरह से आप इसको ये बांध सकते हैं और जब ये तैयार हो जाएगी इसके बाद दो बांध लें, तीन बांध लें तो भी कोई हर्ज नहीं है। और हल्के हाथों से बांधिएगा प्लीज़, इसको बहुत कस के नहीं बांधना है, आपने कस के बांधेंगे तो फिर इसकी जो खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाएगी। इस तरह ये मैं बांध रही हूँ, इस तरह से आपने इसको बांधना है और ये देखें ये बिल्कुल तैयार है। ये तो यहाँ रख देते हैं कि बार बार निकला जा रहा है। चलिए इसको हम कोई बात नहीं सिंगल ही बांध लेते हैं, मैं एक्चुअली चाह रही हूँ कि इसके साथ ये अटैच हो जाए ताकि ये थोड़ा सा हमारा भाग ज़ाया ना जाए। तो ये हो गई, ये आपने बांध, आप चाहें तो डबल बांध लें, आप चाहें सिंगल बांध लें, मैं सिंगल ही बांध रही हूँ, मुझे ज़्यादा मोटी पसंद नहीं है क्योंकि वो फिर खूबसूरत नहीं लगती। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ही बांधूंगी। यहाँ से पकड़ने के लिए ये पकड़ा आपने, यहाँ से प्रेशर डाल रहा है और ये आपने इसको ऐसे करके बांध दिया। तो बस ये देखिए हमारी ये तैयार है और ये बिल्कुल रेडी हो गई है और अभी मैं इसको काट लूँगी। ये बिल्कुल रेडी है और इसको आगे देखिए, इसको रखेंगे हम यहाँ और ये देखिए ये बिल्कुल रेडी है। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको हम अटैच कैसे करेंगे, दूसरी वाली ज्वाइंट के साथ कैसे अटैच करेंगे। बिल्कुल रेडी है और अभी इसको हम और धागा भी बांधेंगे जब हम इसको बिल्कुल मनी प्लांट की स्टिक के साथ अटैच करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कैसे अटैच करना है, उसके बाद एक और इस पर मोटी धागा जो है हम बांध लेंगे। ये रेडी है, बिल्कुल तैयार है ये। और ये जो आपको नजर आ रहा है ये भी बंद हो जाएगा क्योंकि इस पर मैं और धागा बांधूंगी तो ये बिल्कुल अटैच हो जाएगा इसके साथ। और ये जो है ये कपड़ा हम डबल करके जब ज्वाइन करेंगे तो उसके ऊपर इस तरीके से ये बांध लेंगे। तो मुझे लगता है मैंने अच्छे से आपको समझा दिया होगा और अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसको अटैच कैसे करेंगे मनी प्लांट के साथ। तो चलें फिर आइए। तो फ्रेंड्स ये मैं आपको डबल करके भी अब दिखा रही हूँ, अभी तो मैंने सिंगल में आपको दिखाया था और आपसे कहा था कि आप खुद ही बांध सकते हैं डबल, तो मैंने सोचा कि आपको मुश्किल ना हो तो मैं ये डबल धागा आपको करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, अच्छा इसका सबसे आसान तरीका ये है, जो सिंपल वे में तरीका है वो ये है कि इसको आप थोड़ा सा ऐसे करके डबल धागा करके और इसको ऐसे करते जाइए। ये देखिए ये आप देख रहे हैं ऐसे, ये देखिए, और इसको सेट करते जाए। वो सेट तो खैर बाद में भी हो जाएगा, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, इसको ऐसे करते जाइए और ये इस तरह से आप इसको ये देखिए ये बांधते जाइए, ये देखिए
ये हाथ से, और ये अभी पानी में जाएगा तो ये फूल भी जाएगा। अच्छा, ये सोचने की बात है कि मैंने जूट के कपड़े का ही क्यों सिलेक्शन किया, वो इसलिए कि जूट के कपड़े के अंदर जब इसकी रूट्स जाती है मनी प्लांट की, तो उसका बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट होता है पूरे पौधे के ऊपर। और वो ये जो सुराख आपको नज़र आ रहे हैं, छेद नज़र आ रहे हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त उसका असर होता है मनी प्लांट पर, और बहुत अच्छी ग्रो करती है मनी प्लांट। तो इसीलिए मैंने जो है ये जूट के कपड़े का लिया है। हालांकि मेरे पास जो है वो पोरी भी थी जो ये ठेले वालों के पास मिलती है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल सही हो गया, ये आपके सामने है। मैंने दोनों तरीके से आपको दिखा दिया, ये देखिए, ये देखिए, बहुत अच्छे से, बहुत स्मार्ट लग रही है, बिल्कुल सही लग रही है। अभी जब पानी पड़ेगा इसके ऊपर तो ये और अच्छे से हो जाएगी। और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि इसको हम ज्वाइंट करेंगे तो कैसे करेंगे। तो चलें फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ। बहुत टाइट नहीं बांधिएगा, ये देखिए बेस्ट है ये, और ये फूल के अभी ऊपर आ जाएगा। और ये देखिए कितना अच्छे से लग रहा है ये, टाइट कर दीजिए इसको, यहाँ पे भी हम कपड़ा बांधेंगे। तो चलें फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ, आइए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पाइप है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि चूल्हे पे किस तरह से आप इसको नरम हो जाएगा, और नरम करने के बाद आप इसको ये आराम से जो है दूसरी वाली स्टिक मनी प्लांट की जो मैं तैयार कर रही हूँ उसके अंदर फिर ये आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉफ्ट कर लें, बिल्कुल ही इससे सॉफ्ट हो जाएगा। और इसको हाथों की मदद से फिर आप अपने हाथ से जितना उसका जो होल है उसके अंदर डालने में आपको आसानी होगी। ये देखिए, और इसका थूला कर देते हैं हम तेज। ये देखिए, अब ये बहुत नरम हो गया, आराम से चला जाएगा। ये देखें, सबसे पहले मैंने इसको ये गरम किया, और गरम करने के बाद मैं इसको इसमें, ये देखें इस तरह से, ये देखें, ये देख रहे हैं, ये इसकी इस तरह से पोजीशन हो गई है। ये इसको मैंने पहले चूल्हे की आग पे गरम किया है इसको, ये देखिए। अब इसको मैंने असल में मनी प्लांट की जो वो हाइट है उसको बढ़ाना है, अब इसको मैंने इसमें फिट कर दिया। ये नज़र आ रहा है आपको, खूब कस के ऐसे, ये देखिए इतनी बड़ी है ये इसकी हाइट, ये ऊपर तक जा रही है क्योंकि ये छोटा हो गया है, और अब इसका मैंने लेंथ को बढ़ाना है। तो ये, और बड़े अच्छे से ये फिट हो गया इसके अंदर, बहुत ज़बरदस्त फिट हुआ है, ये हिल नहीं सकता। और अब मैं इसके ऊपर चढ़ाऊंगी कोको फाइबर, और इसको मैंने थोड़ा सा कटिंग भी किया था, ये बोरी चढ़ी हुई थी, ये हार्डवेयर की शॉप से या कहीं भी किसी भी नारियल वाली की शॉप से आपको मिल जाएगी। तो ये काटा पहले मैंने कटर से, और कटर से काटने के बाद इसको मैंने गरम किया, इसको ये पाइप जो है, और पाइप गरम करने के बाद इसकी लेंथ को बढ़ा लिया, और अब मैं इस पर फाइबर चढ़ा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें किस तरह से इसको ये हम डाल रहे हैं, इसको कनेक्ट कर देंगे इससे, ये देखिए बहुत आसानी से हो रहा है, ये हो गया बहुत ही मजबूत। और अब जो मैंने आपसे कहा था कि मैं इसको बांधूंगी, तो ये देखिए इस पर ये कपड़ा आपने इस तरीके से खूब टाइट करके इसको ऐसे, चाहे तो आप थोड़ा बड़ा ले लें, मैंने छोटा लिया है, और उसकी भी वजह है, उससे ज़रा ग्रिप अच्छी आती है उसकी, इसलिए लिया है मैंने। ठीक है, नज़र आ रहे हैं धागे, नज़र आने के उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और मैं अब इसको बांधूंगी, और इसका धागा ये देखिए, ये रहे इसका धागा, और ये देखिए ये इसका धागा है, ये बहुत अच्छे से बन गया है। और जब इसके ऊपर प्लांट लग जाएगा तो ये पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर कोई चीज़ बंधी भी थी कभी, या कोई चीज़ हमने इसमें, अब मैं ज़रा दोबारा से इसको,
अब ये बहुत अच्छे से बन गया है और ये पता भी नहीं चल रहा, अगर हम बताएंगे नहीं किसी को कि यहाँ पे कुछ था तो पता भी नहीं चलेगा किसी को। बस अब मैं इस पर मनी प्लांट लगाऊंगी और मनी प्लांट लगाने के बाद कैसे लगाई जाती है ये भी आपको अभी दिखाऊंगी कि इस पर अब हम इसको मनी प्लांट को कैसे चढ़ाएंगे। ठीक है, ये सब इसी के अंदर चली जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं कितने अच्छे से ये हो गया, अब सब इस पर मनी प्लांट हम चढ़ा लेंगे। ठीक है, और ये देखिए नीचे आपको नज़र आ रही है ये सारी मनी प्लांट जो है, ये देखिए ये सारी मैंने निकाल के रखी हुई है, ये सब ये सुबह मैंने यही सारा काम किया है। और अब ये देखें आप ऊपर तक चढ़ेगी, ये देखें ऊपर तक ये सारी जो है हम इसको चढ़ाएंगे। ये देखें पूरी ऊपर तक आपको नज़र आ रही है। तो चलें फिर मैं आपको बताती हूँ कि अब इसको हमने पूरी मनी प्लांट को जो ये नीचे गिरी हुई है इसको हम चढ़ाएंगे कैसे इस स्टिक के ऊपर। तो चलें फिर मैं दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैं आपको बांध के दिखा रही हूँ, एक मैं ऑलरेडी बांध चुकी हूँ, अब मैं और आपको एक ये बांध के दिखा रही हूँ। और आप कोशिश कीजिएगा कि आपकी हेल्प के लिए कोई हो, मेरे पास कोई था नहीं, मैं अकेली हूँ और मुझे अपने सारे काम खुद करने की आदत है, तो इसलिए मैं ये खुद ही कर रही हूँ, मैंने सब खुद ही बांधी है। और अभी मैं और भी बांधूंगी तो मैं खुद ही बांधूंगी। तो इस तरीके से आप किसी की हेल्प ले लीजिएगा, क्योंकि अगर आप किसी की हेल्प नहीं लेंगे तो आपको ज़रा मुश्किल भी हो सकती है, इसमें टाइम भी लगेगा, थोड़ा सा टाइम निकाल के जब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो तभी ये काम कीजिएगा। ठीक है, इसको इसी तरह आपने ऊपर चढ़ाना है और बिल्कुल स्ट्रेट चढ़ाना है। ठीक है, और ये देखिए बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है और बहुत डेलिकेट तरीके से चढ़ाना है, खूबसूरत लगे, ये नहीं कि आपने उल्टा सीधा चढ़ा दिया तो वो बुरा लगेगा। ठीक है, उसमें ब्यूटी आनी चाहिए, खूबसूरत लगना चाहिए। तो ये इस तरह से ये पूरा ये मैं इसको आप देख रहे हैं तकरीबन चढ़ा दिया है मैंने, और स्ट्रेट चढ़ाइएगा, ये देख रहे हैं, ये देख ये स्ट्रेट है ना, पूरी स्ट्रेट आनी चाहिए, ये पूरी एक ही लाइन में आनी चाहिए, ये पूरी जैसे मैंने अभी चढ़ाई है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये देखिए ये मैंने चढ़ाई है, ये पूरी मैंने एक ही लाइन में चढ़ाई है, ये देख रहे हैं आप, ये देखें ये पूरी मैंने एक ही लाइन में चढ़ाई है, सारी ऊपर तक ये एक ही लाइन में चढ़ाई है सारी, इसमें कोई भी बल नहीं है, बल नहीं देने हैं आपने, अगर आपने बल दे दिया तो ये ख़राब हो जाएगी, बल नहीं दीजिएगा प्लीज़, इसको बल नहीं दिया जाता, बल देंगे तो उससे उसकी खूबसूरती भी नहीं रहेगी और वो अच्छी भी नहीं लगेगी। तो ये देखें सारी ये नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारी सब जितनी भी हैं ये सब मैंने निकाली हैं, और निकालने के बाद अब मैं इनको सबको लगाऊंगी। तो ये देखिए ये तकरीबन ही लग गई है, और अभी मैं सारी लगा के वो भी आपको दिखा दूंगी। किसी की हेल्प लीजिएगा, विदाउट हेल्प नहीं कीजिएगा, आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी और टाइम भी बहुत लग जाएगा, मुझे तो चूँकि आदत है, मैं यूज्ड टू हूँ। तो ये जैसे मैंने बताया था कि ये आप बांध सकते हैं, ये इसको बांधिएगा, ये नहीं मिल रहा तो ऐसी एक आपको डोरी मिल जाएगी, हर रंग में मिल जाती है ये डोरी, ये मोची वायर होती है, हर आपको हर रंग में मिल जाएगी, इसी मैच की भी मेरे पास थी नहीं, वरना इस मैच की होती तो और अच्छा लगता। और ये मैं अभी थोड़ा सा और रह गया, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ, और जो इसका नोड एरिया है वहाँ से बांधना है, कपड़े से नहीं, इसको जहाँ पत्ता हो वहाँ से नहीं बांधिएगा, इसको नोड एरिया से आपने बांधना है, बहुत आराम से जब वक्त हो तब बांधिएगा, ऐसे करके आराम से, ये देखिए नज़र आ रहा है आपको। तो चलिए फिर मैं आपको पूरी जब तैयार हो जाएगी तो फिर अभी थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ।
तो फ्रेंड्स देखिए ये मेरी मनी प्लांट तैयार हो गई है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत हसीन, बहुत प्यारी लग रही है और आप लोगों को भी यकीनन बहुत प्यारी लगेगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। रात को मैंने 2 बजे तक बैठ के इस पर काम किया है और खूब डांट भी पड़ी मुझे कि भाई अंदर आओ, ये क्या बैठी हुई तुम स्टिक तैयार कर रही हो, इतनी देर हो गई, आराम कर लो। लेकिन मुझे इतना शौक़ है, जुनून है प्लांट्स का और बस कुछ नज़र नहीं आता। जब मैं प्लांट्स का काम कर रही होती हूँ ना फ्रेंड्स, मुझे कुछ नज़र नहीं आता, बस दिल चाहता है बैठे रहो घंटों और बस पौधों का काम करते रहो। तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं, आपको शेयर करती हूँ आपसे मैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ये। अभी धूप बहुत है बाहर, वरना तो मैं आपको बाहर ले जाके दिखा देती। ये देखिए कितनी लंबी है ये। मेरी चूंकि हाइट बहुत है तो मैंने तो ये कोई मुझे मुश्किल भी नहीं हुई, स्टूल पे भी नहीं चढ़ना पड़ा। वरना आप अगर किसी की हेल्प नहीं लेंगे तो आपको मुश्किल भी हो सकती है इसको बनाने में, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगेगा। आप किसी की हेल्प लीजिएगा प्लीज़, खुद से नहीं बनाइएगा वरना आपको बहुत थकान हो जाएगी, बहुत थक जाएंगे आप। मैंने तो वैसे आधे घंटे में ये तैयार हो जाएगी, लेकिन मैंने 2 घंटे में तैयार की है क्योंकि मैंने देखिए इसको पकड़ा भी, इसको बिल्कुल स्ट्रेट पकड़ना है इसकी स्टिक को, और उसको बांधा भी पूरा, जो मोची वायर है जो ये धागा है इसको लपेटा। अब आप खुद सोचिए कितनी लंबी है और इसको पूरा पकड़ना कस के, और फिर इस तरीके से उस पर इसको मैंने अभी पानी का स्प्रे किया है क्योंकि गर्मी बहुत है, सुबह भी किया था। पूरे 2 घंटे में ये तैयार हुई है फ्रेंड्स, और ये देखिए इसमें मैंने मिट्टी, खाद, रेत, पत्थर और बहुत कुछ डाल दिया है ऑलरेडी, काफ़ी चीज़ें। सुबह से इसी पे मैं काम कर रही थी, इसको बांधने में मुझे 2 घंटे लगे, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत देर में रात को मैं सोई हूँ, लेकिन मुझे इतना दिल चाह रहा था इसको देख के, इतनी खूबसूरत लग रही है ये। तो ये देखें छोटी सी एक मेहनत से, जो इतनी मैंने मेहनत की है, एक छोटी सी मेहनत है और इससे आप ये देखें कितना खूबसूरत मनी प्लांट लगने लगा। और ये बिल्कुल ऐसा हो गया था, इसकी स्टिक मैं आपको दिखाऊं, आपको दिखाई भी है बल्कि मैंने दोबारा दिखाती हूँ। देखिए ये थी, पता भी नहीं चल रहा, इस जगह से हमने इसको जोड़ा था। तो अब ये देखिए आप, ये कितना प्यारा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। थोड़ी सी मेहनत से एक मेरी जो है ना पूरी गार्डन की रौनक जो है ना इसमें 4 चांद लग गए। देखिए कितनी बड़ी हाइट है। और इसको मैंने इसका एक और प्लांट तैयार कर लिया है, बल्कि 4-5, क्योंकि वो छोटे छोटे थे और लंबी थी, इससे बड़ी भी हाइट थी तो वो मुझे बहुत ज़्यादा हाइट लग रही थी। ये देखिए, अगर आपको धूप का मैं शायद पता ही नज़र आ रहा है नहीं आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये भाई, मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये माशाल्लाह से। अगर आपको अच्छा लगे तो फ्रेंड्स ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपका दिल चाहता है किसी से, और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा और आप कुछ जानना चाहते हैं। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखिए, और एक छोटी सी मेहनत से थोड़ा सा वक्त लगा है, लेकिन उसमें अभी तक कितना एक खूबसूरत सा लुक आ गया इस मनी प्लांट का। और ये इतनी बड़ी हो गई थी मुझे अंदाज़ा भी नहीं था, और मैंने 4-5 इसके पौधे तैयार भी कर लिए हैं, ये टकराने लगी इससे। तो ये देखिए आप, इससे ही बड़ी हो गई थी इसकी हाइट। आप 2 लोगों की मदद से प्लीज़ तैयार कीजिएगा, एक बांधने के लिए चाहिए, और इसके धागे आप देखें कितने मैंने ज़बरदस्त बांधे, और स्ट्रेट बांधना है। एक हाँ एक बात मैं बताना भूल गई आपको, इसको बल मत दीजिएगा कभी भी मनी प्लांट को, प्लीज़ हमेशा स्ट्रेट देखें, सारी स्ट्रेट बांधनी है मैंने। ये देख रहे हैं आप, अगर आपको नज़र आ रही है देखें, ये देखें बिल्कुल ये मैंने ना स्ट्रेट इसको, ये देखें ये नज़र आ रहा है आपको, ये देखिए ये देखें, ये स्ट्रेट बांधना है आपने, ये सीधी, बल नहीं देना है मनी प्लांट को, कभी भी बल नहीं देते। तो अभी मैं इस पर नीम ऑयल का स्प्रे भी करूँगी इंशाल्लाह, और खादें वगैरह मैंने सारी दे दी हैं, रेत, बजरी, मिट्टी। और ये इतना छोटा सा देखिए आप है, ये देखें कितना छोटा सा ये है, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये गमला, और इसी में लगा हुआ है, इंशाल्लाह भी इसी में लगा रहेगा, मैं इसको अभी छेड़ नहीं रही। तो फ्रेंड चलिए फिर नई किसी वीडियो के साथ आऊँगी। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।